हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर और हर रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 और इसके साथ ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज को लेकर हमारे सामने 7 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल या फिर क्रिकेट के फैंस हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग उस टीम का नाम जरूर बताइए जिसके ऊपर आप लोग मेगा ऑक्शन की अगली वीडियो देखना चाहते हैं। आज आपको कुछ घंटे बाद मुंबई इंडियंस के ऊपर ये वीडियो देखने को मिलेगी। आरसीबी की वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिस भी टीम के सबसे ज्यादा कमेंट्स होते हैं उस टीम के ऊपर आप लोगों को अभी से 3-3.5 घंटे के बाद ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि निकल कर आ रही है अजीत अगरकर की तरफ से। अब अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आईपीएल 2021 में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है और उसी के रिगार्डिंग अब बीसीसीआई यहां पर प्लानिंग कर रही है कि इस बार हमें एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तक आईपीएल में हम लोग सिर्फ 8 ही टीमों को खेलते हुए देखते थे, लेकिन इस बार हमें 10 टीमें देखने को मिलने वाली है, यानी कि 2 नई टीमों की हमें एंट्री होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अजीत अगरकर का ऐसा मानना नहीं है। अगरकर ने बताया है कि अगर यहां पर हमें 8 के बजाय 10 टीमें देखने को मिलती हैं तो फिर आईपीएल का जो मजा है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि मैचों का नंबर बढ़ जाएगा और अगर यहां पर राउंड रोबिन फॉर्मेट को एलिमिनेट किया जाता है और 2 अलग अलग ग्रुप में टीमों को बांट दिया जाता है तो फिर आईपीएल और वर्ल्ड कप में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। और आईपीएल जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है, फैंस को इसी तरीके से आईपीएल को देखने की आदत है, तो उसके फॉर्मेट में किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग कितने सहमत हैं अजीत अगरकर के स्टेटमेंट से। क्या आपको लगता है कि 8 ही टीमें आईपीएल में होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि एक्सपेंशन होना चाहिए और 10 टीमें हमें देखने को मिलनी चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है राशिद खान की तरफ से। कल हमने देखा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जिसमें हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि कितने वो काबिल बल्लेबाज हैं, कितने बढ़िया फिनिशर वो टीम इंडिया के लिए साबित हो रहे हैं। अभी तो वो बॉलिंग करने में कैपेबल नहीं है अपनी बैक इंजरी की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एज अ बैट्समैन भी बात करी जाए तो हार्दिक पांड्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनके रिगार्डिंग अब राशिद खान ने हार्दिक पांड्या की बड़ी तारीफ की है। राशिद खान नंबर 1 T20 बॉलर माने जाते हैं T20 में पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी पोजीशन से मैच को पलट सकते हैं, उनकी जो काबिलियत है वो काफी ज्यादा यहां पर बड़ी है। और उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या के सामने बॉल डालने में उनको हमेशा यहां पर दिक्कत होती है, तो ऐसे में बहुत बड़ी तारीफ हार्दिक पांड्या के लिए राशिद खान जो कि उनके ही बराबर के खिलाड़ी हैं उन्होंने कर दी है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या अपनी इस फॉर्म को आगे भी कंटिन्यू रख पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है। मुंबई इंडियंस की तरफ से अपडेट निकल कर आई है और इनके कोच महिला जयवर्धने ने बताया है कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम किसी भी हालत में रिटेन करेगी। तो इसका यहाँ पर एक तो अच्छी बात है कि ईशान किशन रिटेन हो जाएंगे, लेकिन अगर ईशान किशन रिटेन होते हैं तो फिर सूर्य कुमार यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और किरण पोलार्ड 100% MI की टीम रिटेन करने वाली है। तो ऐसे में ईशान किशन के ऊपर ये बड़ी स्टेटमेंट का मतलब MI के मेगा ऑक्शन के प्लान्स को यहाँ पर दिखाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से अगर ऑप्शन आता है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच में तो MI की टीम को किसको रिलीज करना चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी चौथी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन डेविड मलान के बारे में। हम आपको लगातार मलान के बारे में कवरेज दे रहे हैं कि किस तरीके से 6 से लेकर 7 बड़ी टीमें इनके पीछे ऑक्शन में जाने वाली हैं। और अब बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि डेविड मलान फ्रेंचाइज के हवाले से जो खबर है सारी उनमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है कि वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हो सकते हैं आईपीएल 2021 में। यहां तक बोला जा रहा है कि जिस तरीके का क्रेज हमें स्टार को देखने के लिए मिलता है और जिस तरीके का क्रेज हमने देखा था पैट कमिंस को लेकर 15.5 करोड़ रुपए वो बिके थे, उसी तरीके का क्रेज फ्रेंचाइज के सोर्सेज बता रहे हैं कि फ्रेंचाइज का इनके ऊपर है। हर टीम चाह रही है कि डेविड मलान को अपनी टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं और क्योंकि ये ओपनर है, बहुत सारी टीमों को ओपनर की जरूरत है। तो ऐसे में डेविड मलान के ऊपर पैसों की बारिश होते हुए नजर आने वाली है मेगा ऑक्शन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से डेविड मलान के ऊपर कितनी बड़ी बिडिंग होनी चाहिए और कौन सी टीम में आप लोग डेविड मलान को खेलते हुए देखना चाहते हो।
फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा की तरफ से। जडेजा काफी ज्यादा कमाल का प्रदर्शन हमें करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली। पहले आईपीएल में कमाल किया था, उसके बाद ओडीआई सीरीज और उसके बाद टी20 सीरीज में भी लगातार वो हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। लेकिन गाइज उसके बाद अपनी हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से रविंद्र जडेजा को रूल्ड आउट कर दिया गया था टी20 सीरीज से। और अब एक और बुरी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज के पहले एक से लेकर दो मैचेस से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। यहां पर जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पहला मैच तो पक्का ही मिस करेंगे, लेकिन यहां पर मोस्ट प्रोबेबली वो हमें दूसरे टेस्ट से भी बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत तगड़ा झटका भारतीय टीम को लगा है कि जडेजा, जो कि शायद उनके इनफॉर्म प्लेयर थे, बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनको बाहर बैठना पड़ेगा इंजरी की वजह से। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से अगर जडेजा नहीं खेलते हैं तो फिर कौन से स्पिनर को आप लोग टेस्ट में खेलते हुए देखना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारी छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। केएक्सआईपी ने यहां पर अनिल कुंबले को अपना कोच बनाया था और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इनके साथ ये टीम 3 साल का बॉन्ड कर चुकी है, यानी कि अगले 3 साल तक हमें केएल राहुल और अनिल कुंबले ही केएक्सआईपी के एज अ कोच एंड कैप्टन कॉम्बिनेशन के तौर पर दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अब अनिल कुंबले ने केएक्सआईपी के ऑक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अनिल कुंबले ने बताया है कि जो इनके करंट फॉरेन प्लेयर्स हैं उसमें एक दो प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये किसी को भी रिटेन नहीं करने वाले। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इनके स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं, क्योंकि केएक्सआईपी के जो को ओनर है नेस वाडिया, उन्होंने पहले ही बताया था कि क्रिस जॉर्डन, शेल्डन कॉटरेल, जिम्मी नीशम और मैक्सवेल का नाम भी उन्होंने लिया था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर मैक्सवेल फॉर्म में नहीं चल रहे थे। तो ऐसे में अब मैक्सवेल ने क्योंकि रन बना दिए, वो हमें कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि केएक्सआईपी की टीम मैक्सवेल को छोड़कर बाकी सारे बड़े फॉरेन प्लेयर्स को रिलीज कर दे और वो नए फॉरेन प्लेयर्स को टारगेट करना चाह रही मेगा ऑक्शन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से केएक्सआईपी की टीम को मेगा ऑक्शन में कौन से बड़े प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए और कौन से बड़े प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए। फिलहाल गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज के दिन की सातवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। वीवीएस लक्ष्मण ने एसआरएच की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और गाइस अभी हम जैसा देख रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की सीरीज में टी नटराजन ने काफी ज्यादा कमाल की बॉलिंग की है, शायद भारत के वो सबसे अच्छे बॉलर नजर आ रहे हैं पूरी सीरीज में। जहां पर सारे बॉलर पिट भी रहे तो उस पिच के ऊपर भी नटराजन काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको आप किसी भी फेज में लेके आ जाओ गेम के वो कमाल करके दिखा रहे हैं। और अब एसआरएच की तरफ से यहां पर वीवीएस लक्ष्मण ने बताया है कि टी नटराजन को भी यहां पर एसआरएच की टीम 100% रिटेन करने वाली है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं एसआरएच की टीम पहले ही फंसी हुई है राशिद खान और केन विलियमसन के बीच में, ऐसे में अगर टी नटराजन को भी रिटेन किया जाता है तो मनीष पांडे और भुवनेश्वर कुमार, ये 5 प्लेयर हमें लग रहा है कि एसआरएच की टीम रिटेन करने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली केन विलियमसन हो या फिर जॉनी बैरिस्टो हो या फिर अभिषेक शर्मा हो या फिर संदीप शर्मा हो, ये हमें बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं एसआरएच की टीम से, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन मेगा ऑक्शन है तो एसआरएच की मजबूरी है कि इन सारे बड़े प्लेयर को शायद उनको बाहर करना पड़े। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग उस टीम का नाम जरूर बताइए जिसके ऊपर आप लोग हमारी मेगा ऑक्शन की अगली वीडियो देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोग उसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।